Subscribe under 24-7 and press the bell icon. हेलो एवरीवन स्वागत है आपका एसएससी अड्डा पर आज हम लोग हाजिर हैं आपके सामने टू द पॉइंट में आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों कई बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम पर टू द पॉइंट का एक एपिसोड होना चाहिए तो दोस्तों आज मैं हाजिर हूं इस एपिसोड में साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम के साथ के अलग-अलग पादपों के या अलग अलग प्लांट्स के या अलग अलग एनिमल्स के क्या क्या वैज्ञानिक नाम होते हैं जहाँ से प्रश्न जनरली एग्जाम में बनता ही बनता है तो हम लोग देखते हैं आज अलग अलग प्रकार के साइंटिफिक नेम को तो सबसे पहला यहाँ पर जो बेसिक सवाल बनता है दोस्तों साइंटिफिक नेम में कि ये साइंटिफिक नेम दिया किसने था यानी कि जितने भी जीव या जितने भी पेड़ पौधे हैं उसका वैज्ञानिक नामकरण किया किसने तो याद रखेंगे दोस्तों जितने भी जीव या जितने भी पेड़ पौधे हैं इसका जो वैज्ञानिक नामकरण किया था उस व्यक्ति का नाम था कार्लस लीनियस याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार पूछा जाता है कि कार्लस लीनियस जो है ये मतलब जो नामकरण या बाय फादर ऑफ बाइनरी नोमन या द्विनाम पद्धति का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों तो याद रखना दैट इज कार्लस लिनियस और कार्लस लिनियस को ही दोस्तों फादर ऑफ टेक्सोनॉमी या वार्गिकी का पिता या क्लासिफिकेशन का पिता कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले दोस्तों जीवों को जो क्लासिफाई किया था जो जंतुओं का वर्गीकरण किया था जो मतलब लिविंग्स को क्लासिफाई किया था लिविंग्स का जो वर्गीकरण किया था वो किन्हों ने कार्लस लीनियस नहीं किया था तो ये चीज याद रखेंगे काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है ना तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर कई सारे मतलब प्लांट्स हैं कई सारे एनिमल्स हैं जहाँ से जनरली एग्जाम में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे उससे पूछे जाने वाले कौन कौन से साइंटिफिक नाम हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं तो जितने भी लोग हैं दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए फिर हम लोग करते स्टार्ट आज के सेशन को पर देखिए जैसे पीपल है हो, है लोगों का मतलब जो मनुष्य है 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 लायन का लियो है, का का लियो मक्खी मस्का डोमेस्टिका और ये रेड मैपल का एकर है। इसी तरह हम हम लोग लोग कई सारे नाम हैं हैं जिसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों प्लांट के साइंटिफिक नेम को देखेंगे ठीक है इसी तरह बनियान का फाइसस बैनगलिनि है ना इसी तरह अलग अलग प्रकार के जो नाम हैं यहाँ पर हम लोग उसकी चर्चा करेंगे ठीक है सबसे पहला देखिए दोस्तों सेब की बात करते हैं तो सेब का मलस प्यूमिला ये इसका साइंटिफिक नाम है याद रखेंगे इसको याद ही रखना पड़ेगा दोस्तों इसका कोई भी ट्रिक नहीं है इसको जितनी बार आप याद करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको याद रहेगा और जब एप्पल की बात करते हैं दोस्तों याद रखेंगे एप्पल का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण एंथोसाइनिन के कारण होता है ये चीज याद रखेंगे ठीक है ना एप्पल का जो पार्ट हम लोग खाते हैं दोस्तों उसे हम लोग थैलमस कहते हैं जो फ्लैसी थैलमस या जिसे हम लोग मानसल पुष्पासन कहते हैं और एप्पल के बारे में दोस्तों याद रखिएगा जो एप्पल है ये एक कैसा फ्रूट है दोस्तों ये एक फॉल्स फ्रूट है यानी कि एक ये झूठा फल है ठीक है ना जब हम लोग दोस्तों बात करते हैं तो याद रखेंगे यहाँ पर जब एप्पल की बात करते हैं एप्पल के अंदर एक एसिड भी पाया जाता है जिसका नाम है मैलिक एसिड ये सारी चीजें भी आप याद रखेंगे ऐसे भी सवाल यहाँ से बनते हैं ठीक है ना जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों बम्बू की तो बंबू यानी बांस का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज बंबूशा एरिडिना रिफोलिया ठीक है ना याद रखना है बंबूशाह एरिडीना रिफोलिया ये इसका साइंटिफिक नेम है और बंबू के बारे में याद रखेंगे दोस्तों ये सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है लेकिन इससे भी तेजी से बढ़ने वाला पौधा एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं युकलेप्टिस है, सबसे बड़ा भी पौधा होता है और बात करते हैं दोस्तों जब बंबू की तो बंबू याद रखेंगे किस प्रकार की कैटेगरी में आता है ये घास की कैटेगरी में आता है ये भी आपने याद रखना है जब हम लोग दोस्तों बनाना की बात करते हैं बनाना यानी केला जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है इस बनाना के बारे में रखेंगे कि इसका जो साइंटिफिक नाम है दैट इज मूशा पैराडिशिकम ठीक है ना मूशा पैराडिशिकम ये इसका साइंटिफिक नाम है और नेशनल बनाना रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बेटा कहाँ पर है दैट इज इन त्रिची तमिलनाडु ये आप याद रखेंगे ठीक है ना अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों अगले मतलब फैक्ट पे चलते हैं याद रखना है ब्रिंजल यानी बैगन बैगन जो है दोस्तों इसका जो साइंटिफिक नाम दैट इज सोलिनम मॉलिंग गेना है ना सोलेनम गेना ये इसका साइंटिफिक नेम है जब हम लोग दोस्तों कैप्सिकम या शिमला मिर्च की बात करते हैं इसका साइंटिफिक नाम याद रखेंगे कैप्सिसम फ्रूट 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 सेंस ना कैप्सिकम फ्रूट सेंस ये इसका साइंटिफिक है ने मिर्च से याद रखेंगे दोस्तों मिर्च का जो लाल रंग होता है ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मिर्च का जो लाल रंग होता है दोस्तों दैट इज ड्यू टू और मिर्च में जो दोस्तों तीखापन होता है मिर्च में मिर्च में जो तीखापन होता है ये किसके कारण होता है तो याद रखना है ये होता है कैप्सिन के कारण ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसे भी आपने याद रखना है जब हम लोग दोस्तों गाजर की बात करते हैं तो याद रखना है कैरेट कैरेट का साइंटिफिक नाम है डूकस कैरोटा डॉकस कैरोटा ये इसका साइंटिफिक नेम है और गाजर का जो ओरिजिनल कलर होता है दोस्तों याद रखेंगे दैट इज नारंगी और ये नारंगी कलर इसका किसके कारण होता है दैट इज ड्यू टू कैरोटीन ये भी याद रखना है और गाजर का जो लाल रंग होता है ना गाजर का लाल रंग दोस्तों किसके कारण होता है तो एंथोसाइनिन के कारण होता है ये चीज याद रखेंगे ये सवाल यहां से पूछा जाता है और कैरेट जो है कैरेट पेड़ पौधों का कौन सा हिस्सा है तो पेड़ का ये एक जड़ है और कैरेट की जब बात करते हैं दोस्तों तो कैरेट विटामिन ए का रिच सोर्स भी हो होता है ठीक है ना दोस्तों अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ठीक है ना चलिए तो हम लोग बात करते हैं अगले फैक्ट की अगला जो हमारा साइंटिफिक नेम है neem, neem का कई बार एग्जाम में पूछा गया याद रखना है नीम का एजा अ इंडिका एजा धीराकेटा इंडिका ये इसका साइंटिफिक नेम है याद रखना है नीम का साइंटिफिक क्या है एजा ने इंडिका और नीम को कहा जाता है एक तरह से वाटर प्योरीफायर कहा जाता है इससे सॉरी वाटर नहीं एयर प्योरीफायर इसे कहा जाता है क्या कहा जाता है दोस्तों एयर प्योरीफायर एक प्लांट है जो कि क्या करता है हमारे एयर को प्योरीफाई करने का भी काम करता है करता है जब हम लोग दोस्तों ऑनियन की बात करते हैं तो याद रखना है ऑनियन यानी प्याज जिसमें कि स्मेल जो होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों दैट इज ड्यू टू सल्फर ऑनियन में जो गंध होती है ना प्याज में जो गंध होती है वो किसके कारण सल्फर के कारण और ऑनियन क्या है दोस्तों एक प्रकार का तना है ये क्या है एक प्रकार का तना है ये भी याद रखना और इसका साइंटिफिक नाम है एलियम कैपा एलियम का नेम किसका है प्याज का. नारंगी की बात करते हैं दोस्तों तो नारंगी में सबसे पहले तो याद रखना है इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है सिट्रिक एसिड है ना कौन सा एसिड पाया जाता है नारंगी में दैट इज सिट्रिक एसिड और नारंगी जो है विटामिन सी का अच्छा एक सोर्स है और नारंगी का साइंटिफिक नाम है दोस्तों सिट्रस देखिए सिट्रस फ्रूट है खट्टा फल है तो सिट्रस ऑरेंटियम सिट्रस ऑरेंटियम ये नारंगी का क्या है याद रखना है नारंगी का साइंटिफिक नाम और भारत का जो ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है आप लोग कमेंट में बताएंगे ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है आप लोग कमेंट में बताएंगे ठीक है दोस्तों तो चलते हैं हम लोग अगले फैक्ट की बात करते हैं अगला याद रखेंगे टोबैको जब दोस्तों टोबैको की बात करते हैं तो याद रखना है टोबैको में क्या पाया जाता है निकोटिन एक नशीला पदार्थ मिलता है ना निकोटिन और उसी से याद रखना है आपको निकोटिना टोबेको तो का साइंटिफिक नाम याद रखने की जरूरत नहीं है निकोटीना टोबेक इसका वैज्ञानिक नाम है और तंबाकू की बात करते हैं दोस्तों याद रखेंगे तंबाकू सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है आंध्र प्रदेश में और तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है दोस्तों दैट इज राजुद्री राजुद्री

सिकन अगर आपको याद रहा ना दोस्तों तो याद रखेंगे लाइको परसिकन इशलैंटम लाइको परसिकन एसलैंटम यह इसका साइंटिफिक नाम है टमाटर का और टमाटर में दोस्तों एक एसिड पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड इस ऑक्जेलिक एसिड की बात करते हैं तो याद रखना है इस ऑक्जेलिक एसिड का यूज किसमें किया जाता है दोस्तों कपड़े पर इंक का दाग छुड़ाने में किसका यूज करते हैं ऑक्जेलिक एसिड का और यही ऑग्जेलिक एसिड कैल्सियम के साथ मिलकर हमारे किडनी में क्या बनाता है स्टोन बनाता है या हमारे गॉल ब्लेडर में स्टोन बनाता है ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों जब बात करते हैं तुलसी की यह भी काफी इंपॉर्टेंट है तुलसी की बात करते हैं याद रखना है इसका साइंटिफिक नेम है ओसीमम सैंक्टम ओसीमम सैंक्टम ये तुलसी का साइंटिफिक नेम है ये भी आप याद रखना इसे एक तरह से क्या कहा जाता है औषधि वाला पौधा कहा जाता है इसे तुलसी को तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है तो चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले फैक्ट की बात करते हैं अगला फैक्ट याद रखेंगे पाइन एप्पल या अनानास जिसे कहा जाता है पाइन एप्पल भी, भी एक प्रकार का सीट्रस फ्रूट है और ये भी विटामिन ए और विटामिन सी दोनों के ही ये सोर्स हैं पाइनएप्पल विटामिन ए भी पाया जाता है इसमें और विटामिन सी भी पाया जाता है और पाइन ऐप्पल का याद रखेंगे दोस्तों इसका नाम ही देखिए एनानस सैटिवस एनानस सेटिव बस याद रखेंगे आप तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी Ananas setivus, ये इसका साइंटिफिक नाम है ये आपने याद रखना है जब हम लोग दोस्तों बात करते हैं पोटैटो की जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक एक है है ये पोटैटो क्या है? दोस्तों एक प्रकार का स्टेम है एक प्रकार का तना है और नेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर है दोस्तों कुफरी शिमला के पास कुफरी शिमला के पास ये इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट है और इसका याद रखेंगे दोस्तों पोटैटो में जो हरा रंग होता है ना कभी-कभी देखते हैं पोटेटो का जो आलू होता है आलू हरा हो जाता है कहीं कहीं से तो ये हरा रंग जो होता है ये किसके कारण होता है सोलेनिन के कारण ये सोलेनिन याद रखना है तो आपको इसका साइंटिफिक याद रह जाएगा इसका साइंटिफिक नाम है सोलेनम ट्यूबरसम

होता है हवा के द्वारा और मक्के के अंदर ही याद रखेंगे एक जीन की खोज करी थी जंपिंग जीन इसकी खोज करने वाली कौन थी जंपिंग जीन की बारबाड़ा मैक बारबाड़ा मैक क्लिंटॉक ने मक्के में ही किसकी खोज करी थी इसी में जंपिंग जिन की खोज करी थी ये भी याद रखेंगे जब हम लोग आम की बात करते हैं तो आम का याद रखेंगे दोस्तों मैग्नीफेरा इंडिका ये इसका साइंटिफिक नेम है और आम के बारे में याद रखना है दोस्तों ये विटामिन ए का रिच सोर्स है जबकि कच्चा आम जो होता है जबकि कच्चा आम की जब बात करते हैं दोस्तों तो कच्चा आम में याद रखना है कौन सा एसिड पाया जाता है कच्चा आम में टरटरिक एसिड पाया जाता है कौन सा एसिड मिलता है कच्चे आम में टर्टरिक एसिड पाया जाता है जो कि अंगूर में भी पाया जाता है और इमली में भी पाया जाता है तो दोस्तों हमारा प्रश्न भी है आप लोगों से कि अंगूर का उत्पादन क्या कहलाता है आप लोग बताएंगे अंगूर का उत्पादन क्या कहलाता है ये भी आप लोग बताएंगे जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों लहसन की तो लहसन में भी गंध याद रखेंगे किसके कारण होता है लहसन में भी गंध होता है सल्फर के कारण याद रखना है और लहसन भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों ये भी एक प्रकार का स्टेम यानी एक प्रकार का तना है और इसका साइंटिफिक नेम है allium

गिफ्ट भी जीत सकते हैं कैशबैक भी जीत सकते हैं तो ये वाई वन सेवन फाइव कोड याद रखना है जब भी कोई परचेज करेंगे आप तो ये कोड लगाना है और फोर्टी परसेंट का डिस्काउंट आप ले सकते हैं ठीक है ना चलते हैं, हम लोग बात करते हैं इसके आगे दोस्तों याद रखेंगे बुलबुल -बुल। जो बुलबुल -बुल होता है इसका साइंटिफिक नाम है कैफर के कैफर यह किसका साइंटिफिक नाम है दोस्तों बुलबुल बुल का कैट का आप लोगों को पता है दोस्तों जो कैट है इसका फैलिस डोमेस्टिका यह कैट का यानी बिल्ली का साइंटिफिक नाम है चीता की अगर बात करें दोस्तों तो चीता का याद रखना है एकिनोनिक्स एकिनोनिक्स जुबेटस एकिनोनिक्स जुबेटस, जुबेटस ये किसका चीता का साइंटिफिक नाम है और चीता के बारे में याद रखेंगे ये जो है सबसे तेज चलने वाला प्राणी है लायन की बात करते हैं दोस्तों तो याद रखना है कि जो पैंथेरा लियो है ये किसका स, लायन का साइंटिफिक नेम है और एशियाटिक लायन जो एशियाटिक लायन होता है ना एशियाई एशियाई शेर सिंह के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है दोस्तों गिर नेशनल पार्क जो कि कहां पर है गुजरात में आपने यह भी याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम लोग नील गाय की बात करते हैं तो नील गाय का बोसेलेफर्स ट्रैगो कैमेलस बेसोलेफ्ट लेफर्स ट्रैगो कैमेलस ये किसका का साइंटिफिक नाम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है जब हम लोग पीकॉक की बात करते हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों पेव क्रिस्टेटस क्रिस्टेटस ये मोर का साइंटिफिक नाम है है इसे भी आपने याद रखना है। हम लोग चलते हैं आगे यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नाम है सारे वैज्ञानिक नामों को शामिल किया गया है जो कि एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे अगले फैक्ट की बात करें दोस्तों तो याद रखना है टाइगर यानी बाघ जिसका क्या है पैंथेरा टेग्रिसा या पैंथेरा टिग्रिस इसका साइंटिफिक नाम आप लोगों को पता है हॉर्स की बात करते हैं दोस्तों यानी घोरा की याद रखना है इक्वस कैबेलस इक्वस कैबेलस ये इसका साइंटिफिक नेम और घोरे पर ही दोस्तों याद रखेंगे किसकी खोज की गई थी ब्लड प्रेशर की जो किसने खोजा था स्टीफन हेल्स ने स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक ने घोरे पर ही किसकी खोज करी थी ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप की खोज करी थी आपको पता है हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले फैक्ट की बात करते हैं तो है, डॉग जो होता है याद रखना है हम लोग अगले फैक्ट की बात करते हैं तो है, कबूतर कबूतर का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज कोलम्बा लिविया बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोलम्बा लीविया ये किसका कबूतर का साइंटिफिक नेम है आपको याद रखना है और वुल्फ यानी कि वेरिया भेड़िया का साइंटिफिक नेम है ल्यूपस कैनिस ल्यूपस जितने भी ये भेड़िया हो गया जो मतलब कैट ऐसे जो दिखते हैं ना उनके नाम के आगे हमेशा आपको कैनिस दिखेगा ना क्योंकि वो कैनिस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वॉल्फ का क्या है कैनिस ल्योपस जेबरा की बात करते हैं दोस्तों तो याद रखना है इक्वस क्वेगा इक्वस क्वेगा ये किसका जेबरा का साइंटिफिक नाम है आपने ये भी याद रखना है चलते हैं आगे उसकी बात करते हैं दोस्तों तो याद रखना है कैट यानी बिल्ली बिल्ली का जो साइंटिफिक नाम है फैलिस डोमेस्टिका या फैलिस कैटस ये इसका साइंटिफिक नाम है फैलिस डोमेस्टिका भी बोलते हैं इसे ये कैट का यानी कि बिल्ली का साइंटिफिक नाम है जब हम लोग दोस्तों क्रोकोडाइल की बात करते हैं करते हैं क्रोकोडाइल का है क्रोकोडील या नीलोटिकस क्रोकोडील या नीलोटिकस ये किसका है दोस्तों ये याद रखना है क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ का साइंटिफिक नाम क्रोको मतलब क्रोकोडाइल के हर्ट में दोस्तों कितने चैम्बर होते हैं चार चैम्बर होते हैं आपको ये भी याद रखना जब हम लोग बात करते हैं लोमरी की फॉक्स की तो इसका है कैनिस वुल्पस कैनिस वल्पस ये जो है दोस्तों ये किसका लोमड़ी का साइंटिफिक नाम है आपने याद रखना है चलते हैं हम लोग इसके आगे आगे की बात करें दोस्तों तो, तो याद रखना है गॉट यानी बकड़ी बकरी का साइंटिफिक नाम है कैपरा हिरकस कैपरा हिरकस ये किसका बकरी का साइंटिफिक नाम है और हाउस फ्लाई की बात करते हैं दोस्तों यानी मक्खी की बात करते हैं तो इसका है मस्का डोमेस्टिका जब हम लोग बिच्छू की बात करते हैं यानी स्कॉर्पियन इसका है एर्किनिडा स्कॉर्पियोनिडा एर्कनिडा स्कॉर्पियोनिडा क्योंकि यह एरिड प्रजाति से बिलोंग करता है किस प्रजाति से बिलोंग करता है प्रजाति से बिलोंग करता है है इसका इसका इसलिए स्कॉर्पियोनिडा यह वैज्ञानिक नाम है। और दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके आगे तो याद रखना है जो काव है काव का याद रखना है काव का यानी गाय का जो साइंटिफिक नाम है वो है बास इंडिकस बास इंडिकस ये किसका है दोस्तों ये गाय का साइंटिफिक नाम है आपने ये भी याद रखना है यहां पर मैं लिख दे रहा हूं काव यानी काउ का है बास इंडिकस ये इसका साइंटिफिक नाम है ये भी आपने याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है यानी जो गाय है गाय का साइंटिफिक नाम है बास इंडिकस ठीक है तो दोस्तों ये आज के हमारे जो महत्वपूर्ण साइंटिफिक थे उसकी हम लोगों ने चर्चा करी और दोस्तों आपको ये वाय वायन सेवन फाइव ये कोड आप याद रखेंगे जब भी आपको कोई परचेस करना अंडर टू फोर सेवन से जब भी आप कुछ सामान खरीदेंगे तो ये वाय वन सेवन फाइव कोड लगाकर आप फोर्टी परसेंट का डिस्काउंट आप ले सकते हैं ठीक है ना इस बिगेस्ट स्टूडेंट कार्निवाल में तो दोस्तों आज के जो मतलब हमारे टॉपिक थे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो साइंटिफिक नेम थे लगभग हम लोगों ने चालीस से पैंतालीस वैज्ञानिक नाम के बारे में देखा जो कि बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं तो वैसे वैज्ञानिक नाम को दोस्तों हम लोगों ने शामिल किया था इस सेशन में आप लोगों को दोस्तों सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे और दोस्तों बार बार मेरा कहना होता है कि आप अपना सजेशन भी जरूर देंगे कि सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है मैं धीरे धीरे एक एक करके सभी टॉपिक्स को लाऊंगा तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं बस आप लोग ना सजेशन देते रहिए वीडियो को लाइक करते रहिए शेयर करते रहिए है ना और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बताते रहिए तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं टू द पॉइंट के अगले एपिसोड में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण तो फैक्ट के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए ठीक है और जो नए छात्र देख रहे हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें ठीक है ना तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगली क्लास में तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें एंड हैव ए गुड डे